हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में गठित नई कमेटी की और उससे शिक्षकों की लाभ की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है और वो जो है यहाँ पे अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और इसी बीच जो है एक नए कमेटी का गठन हुआ है जो कि विधान परिषद का जो शिक्षा समिति है उसका जो है यहाँ पे गठन हुआ है। और ये शिक्षा समिति वह समिति होता है जो कि शिक्षकों के मामलों को बिहार सरकार के समक्ष रखने की यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वो अपना मान्यता रखता है। उसी के द्वारा जो है विधान परिषद में शिक्षकों की और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की विभिन्न चीज़ों की जो है विषय में यहाँ पे बताया जाता है, जिस पे जो है सरकार संज्ञान लेती है। तो उसी का जो है अब नया कमेटी बन चुका है जिससे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग साथ ही साथ शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं जो भी हैं उन सभी के समाधान हेतु तो यह जो है कमेटी गठित किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को बताते हैं कि किन किन को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वो बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना अधिसूचना संख्या यहाँ पे 25/2024-1061 और बीपी दिनांक 17/9/2024। और अधिसूचना यहाँ पे क्या आया है उसको अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है कि बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के नियम 65 के तहत माननीय सभापति महोदय ने शिक्षा समिति का गठन निम्न प्रकार से करने की कृपा की है। पहला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जो कि उपसभापति हैं उनको जो है यहाँ पे शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को संयोजक बनाया है। उसके बाद डॉक्टर मदन मोहन झा को सदस्य, श्री नवल किशोर यादव को सदस्य, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को सदस्य और श्री सर्वेश कुमार को सदस्य, श्रीमती निवेदिता सिंह को सदस्य और श्री कुमार नागेंद्र को भी यहाँ पे सदस्य बनाया गया। यानी कि कुल 8 सदस्य का जो है यहाँ पे टीम है जो कि यहाँ पे शिक्षक और शिक्षा विभाग के विभिन्न चीज़ों पर जो है विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेगी। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं समिति अपनी आंतरिक बैठक में विचारणीय विषय बिंदु तैयार कर माननीय सभापति महोदय के आदेशोपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। नवगठित समिति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। अखिलेश कुमार झा सचिव बिहार विधान परिषद और उनका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1062 पत्रांक है 17/9/2024 और ज्ञान प्रकाश उनका सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि उप सचिव है बिहार विधान परिषद के। ये आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हैं प्रतिलिपि में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, मदन मोहन झा, नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण यादव, सर्वेश कुमार, श्रीमती निवेदिता सिंह, श्री कुमार नागेंद्र एवं माननीय उपसभापति महोदय के आप्त सचिव सहित बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये यहाँ पर ये जो पत्र है वो पूरी तरीके से प्रभावी हो चुका है कल के डेट से ही। और नया जो समिति है वो कल के डेट से ही प्रभावी हो चुका है जो कि शिक्षकों के और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न मामलों को सरकार के समक्ष रखेगी और सरकार को विभिन्न मामलों से अवगत कराएगी जो कि शिक्षक और शिक्षा विभाग में चल रहा हो। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कमेटी है क्योंकि इसी के द्वारा जो है सरकार आपकी बातों को सुनेगी और आप लोग की बातों को जो है सुन करके उस पर निर्णय लेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में गठित नई कमेटी की और उससे शिक्षकों की लाभ की। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिक्षकों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है और वो जो है यहाँ पे अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और इसी बीच जो है एक नए कमेटी का गठन हुआ है जो कि विधान परिषद का जो शिक्षा समिति है उसका जो है यहाँ पे गठन हुआ है। और ये शिक्षा समिति वह समिति होता है जो कि शिक्षकों के मामलों को बिहार सरकार के समक्ष रखने की यहाँ पे अगर बात करिएगा तो वो अपना मान्यता रखता है। उसी के द्वारा जो है विधान परिषद में शिक्षकों की और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की विभिन्न
चीज़ों की जो है विषय में यहाँ पे बताया जाता है, जिस पे जो है सरकार संज्ञान लेती है। तो उसी का जो है अब नया कमेटी बन चुका है, जिससे शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, साथ ही साथ शिक्षकों की विभिन्न समस्याएं जो भी हैं उन सभी के समाधान हेतु तो यह जो है कमेटी गठित किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और आप लोग को बताते हैं कि किन किन को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वो बिहार विधान परिषद सचिवालय पटना, अधिसूचना संख्या यहाँ पे 25/2024-1061 और BP दिनांक 17/9/2024। और अधिसूचना यहाँ पे क्या आया है उसको अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर है कि बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के नियम 65 के तहत माननीय सभापति महोदय ने शिक्षा समिति का गठन निम्न प्रकार से करने की कृपा की है। पहला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय जो कि उपसभापति हैं उनको जो है यहाँ पे शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को संयोजक बनाया है। उसके बाद डॉक्टर मदन मोहन झा को सदस्य, श्री नवल किशोर यादव को सदस्य, प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को सदस्य और श्री सर्वेश कुमार को सदस्य, श्रीमती निवेदिता सिंह को सदस्य और श्री कुमार नागेंद्र को भी यहाँ पे सदस्य बनाया गया। यानी कि कुल 8 सदस्य का जो है यहाँ पे टीम है जो कि यहाँ पे शिक्षक और शिक्षा विभाग के विभिन्न चीज़ों पर जो है विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेगी। आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समिति अपनी आंतरिक बैठक में विचारणीय विषय बिंदु तैयार कर माननीय सभापति महोदय के आदेशोपरांत अग्रतर कार्रवाई करेगी। नवगठित समिति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी। अखिलेश कुमार झा सचिव बिहार विधान परिषद और उनका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1062 पत्रांक है 17/9/2024 और ज्ञान प्रकाश उनका सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि उप सचिव है बिहार विधान परिषद के। ये आप लोग यहाँ पे पूरा देख सकते हैं प्रतिलिपि में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, मदन मोहन झा, नवल किशोर यादव, वीरेंद्र नारायण यादव, सर्वेश कुमार, श्रीमती निवेदिता सिंह, श्री कुमार नागेंद्र एवं माननीय उपसभापति महोदय के आप्त सचिव सहित बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। तो ये यहाँ पर ये जो पत्र है वो पूरी तरीके से प्रभावी हो चुका है कल के डेट से ही, और नया जो समिति है वो कल के डेट से ही प्रभावी हो चुका है जो कि शिक्षकों के और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के विभिन्न मामलों को सरकार के समक्ष रखेगी और सरकार को विभिन्न मामलों से अवगत कराएगी जो कि शिक्षक और शिक्षा विभाग में चल रहा हो। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कमिटी है क्योंकि इसी के द्वारा जो है सरकार आपकी बातों को सुनेगी और आप लोग की बातों को जो है सुन करके उस पर निर्णय लेगी।